आप लोगों का जी बहुत शुक्रिया प्रेस का कि आज आप तशरीफ़ लाए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही हमारी अल्लाह ताला के फजल व करम से एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी रिकवरी हमने एक केस में इतने कलील अरसे में एक ही टाइम पर करी की हो। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये इलाका थाना सदर हसन अब्दाल में ये वारदात हुई थी। ये मलक निसार साहब हैं, इनके चुंगी है, एक एग्रीमेंट है जिसमें ट्रक जाते हैं और ये उनसे चुंगी वसूल करते हैं। और ये 23/10 को आज से तकरीबन 5 दिन पहले ये वारदात हुई कि इनके मैनेजर जो हैं वो सारी वसूली करके और एक इंतहाई बड़ी रकम जो है वो तकरीबन 1,34,00,000 रुपए के करीब वो लेकर जा रहे थे दोनों। और एक ये जिस तरह आपको पता है कि वारदात में इनसाइडर्स भी होते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो 5 डकैतों ने उनको इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद उनसे ये रकम छीन ली। 15 पे कॉल चलाई, उसी वक्त पुलिस मुतहरक हुई, हमने उसी वक्त जो है वो टीमें तश्कील दी, नाकाबंदी करवाई और इसको इतनी बड़ी रकम, जाहिर है कि एक बहुत ही एक इसमें इंटेंस एक सिचुएशन डेवलप हुई थी। और उसके ऊपर फिर हमने अब तमाम जो है अपने जो हमारे पास होती हैं फैसिलिटीज़ उनको यूज़ किया, जो साइंटिफिक हमारे पास मेथड्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया, मुखबरियाँ ली गईं, उस एरिए को कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किए गए और इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि कौन से गैंग जो है वहाँ पर वो नज़र आए थे बंदे। फिर हमने और SHO जो हैं सदर गुलफराज और उस वक्त ASP साहब थे, अभी उनका तबादला हो गया है जवाद साहब का, इन्होंने पर्सनली जो है वहाँ पे रेड्स कंडक्ट की और 8 घंटे के अंदर अंदर हमने जो है वो 2 डकैत उनको गिरफ़्तार किया। उसका नाम मोहम्मद यासर और बाबर खान है, उनकी शनाख्त प्लेट भी दुरुस्त तौर पर हो चुकी है और उसमें से 1,21,35,000 रुपया जो है हमने तकरीबन, ये 95% से भी ऊपर रिकवरी बनती है, बल्कि मेरा ख्याल 97% बनती होगी, सिर्फ हमारा 8-9 लाख रुपया रह गया और 2-3 मुलज़म भी बाकी हैं जिनके पास है, वो उसके भी हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अटक में एक वारदात में ये आपके सामने रकम पड़ी हुई है, जेन्युइन उनकी रकम, जेन्युइन रिकवरी, जेन्युइन मुलज़म और 8 घंटे के अंदर मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी जिसके ऊपर जो हसन अब्दाल की पुलिस है वो शाबाश की मुस्तक है। और मैं इस अज़म का इजहार करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी अटक के आवाम के जानो माल के तहफ़ के लिए जो है हम सुबह दोपहर शाम इसके ऊपर कार बंद हैं। और पंजाब पुलिस का ये मोटो है कि जराइम से पाक, मंशियात से पाक जो इलाके हैं हमारे, इंशाल्लाह ताला हम इन पर अमल दरामद करेंगे। तो अब ये कुछ बताएँगे आपको ये जो हमारे अफेक्टी हैं जिनके साथ ये वारदात हुई थी। जी मलक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वारदात होती है, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई और इसमें पुलिस को मैं इंतहाई ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मुझे जब इतला मिली, मैं मुझसे पहले गुलफराज साहब वहाँ पर मौजूद थे जो SHO साहब हैं, 15 पे कॉल चली, मैं भी बहुत स्पीड से आया, मुझे मुलाजमों ने इतला दी है कि इस तरह वारदात हो गई है, तो मैं आया हूँ, मुझसे पहले ये नफरी लेकर वहाँ पे मौजूद थे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ DPO साहब का कि इतने अच्छे ऑफिसर हैं यहाँ पे अटक में, जिनकी नुमाइंदगी में ये सारी टीमें बनती हैं और नीचे भी अच्छा काम हो रहा है। गुलफराज साहब ने भी बहुत अच्छा, ASP साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वो भी मौके पर आ गए थे, लेकिन मैं इसका क्रेडिट यहाँ की जो पुलिस है और पुलिस की पूरी टीम हेड तक, इनको मैं अपनी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुझे यकीन है अगर ऐसे अफिसरान डिप्लॉय किए जाएं और इस तरह मेहनती लोग हों तो जुर्म की बहुत ज़्यादा रुकावट हो सकती है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका और अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें और इस तरह के जराइम पेशा अनासर को। और मैं इस तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा उठाते हुए ये भी बताना चाहूँगा आवाम को भी और आप लोगों को भी कि देखें, केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह देखें, इतनी बड़ी रकम के साथ जो मैनेजर जा रहा था बग़ैर किसी गार्ड के, बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के, तो वो फिर ट्रबल को इनवाइट करने वाली बात है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के साथ जो करोड़ों में हो उसको इस तरह जाना नहीं चाहिए था। तो ये भी आप लोगों के लिए एक एक, एक किस्म की गाइडेंस है, हमारी एडवाइज़री है कि जब भी इस तरह की कोई बड़ी हो तो आप प्राइवेट गार्ड ज़रूर साथ रखें, या एटलीस्ट अगर बैंक में जाना है या किसी जगह जाना है और आपकी कोई बड़ी है तो एटलीस्ट पुलिस वालों को या चौकी वालों को इन्फॉर्मेशन हो
تاکہ جو ہے عام طور پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اگر ہم انانیمسلی چلے جائیں گے تو شاید وہ زیادہ سیف ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا، کیونکہ انسائیڈرز جو ہوتے ہیں وہ انفارمیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں جس سے کہ اس طرح کی وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کوئی جانی مال نہیں گئی، مال بھی سارا آ گیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس اٹک پولیس جو ہے وہ سرخرو ہوئی۔ یہ کافی پرانا واقعہ ہے ان کا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان شاء اللہ ان کو ہم نے لوپ میں رکھا ہوا ہے، جو ہماری چل رہی ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اب جب چیز پرانی ہو جائے اور کافی ہو جائے نا تو وہ پھر بیک ڈراپ میں چلی جاتی ہے، لیکن ہم نے آئی جی صاحب کے وہ بھی یہ ویژن ہے اور ان کی ہدایات ہیں کہ پرانے سارے مقدمے بھی جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن کر کے ان کو چلان کیا جائے، اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ جو مال یہاں سے گیا ہے وہ ہم اس کو ریکور کر کے حقدار کو اس کا حق دیں۔ جی ان کو ابھی دے دیتے ہیں جی، بہت شکریہ۔ اور یہ جی اب آپ کی جو رقم ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ اپنی اب سپرداری کروائیں گے جی، اور اس کے بعد آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اویلیبل کریں گے ہم جی۔ ماشاء اللہ آپ کے نصیب اور ہماری اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، بہت مہربانی، شکریہ۔ آگے گلفراز صاحب کو پہنائیں، اور ڈی ایس پی صاحب کو اے ایس پی صاحب کے بیاہ پہ پہنائیں، ادھر آئیں اے ایس پی صاحب کے بیاہ پہ آپ ان کو پہنائیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، بہت شکریہ جی، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔